वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल. आई एम एट नाज एक्वेरियम इन द कुरला फिश मार्केट. अ लॉट ऑफ यू गाइज एट आस्क्ड मी टू मेड अ वीडियो ऑन नाज एक्वेरियम. नाज एक्वेरियम के फिश शॉप के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, फिर भी बहुत लोगों ने जो है कमेंट करके बोल दिया था कि नाज एक्वेरियम के फिशेज के ऊपर वीडियो बनाई है. तो नाज एक्वेरियम की जो फिशेज है वो उनका जो माल होता है, जो स्टॉक होता है, वो बहुत जल्दी सेल आउट हो जाता है, सोल्ड आउट हो जाता है. तो इसके कारण दैट इज़ द रीज़न कि जो है वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो अभी जो है फिलहाल तो थोड़ा सा स्टॉक है इनके पास, तो आपके डिमांड के ऊपर, आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हम जो है लाइव फिशेस का वीडियो बनाएंगे नाज एक्वेरियम में. एंड मिस्टर परवेज द होस्ट ऑफ नाज एक्वेरियम विल टेल अस, विल गाइड अस अबाउट द पर्टिकुलर फिशेस दैट आर अवेलेबल एट नाज एक्वेरियम. सो विल मूव ऑन टू द फिशेस वन बाय वन एंड विल चेक आउट द प्राइसेस दैट आर अवेलेबल एट नाज एक्वेरियम. हम जो है एक एक फिश की प्राइस जानेंगे पर्टिकुलर फिश के बारे में, दैट इज अ सिंगल पीस. वी विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग प्राइसेज अबाउट डजन. एक फिश की रेट्स हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, मेंशन करेंगे. तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग जो होते हैं फिश की प्राइस दी हुई जाती है, मेंशन की जाती है, फिर भी बोलते हैं कि प्राइसेज बताई नहीं है. तो आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो में हम आपको एक एक फिश की प्राइस बताने वाले हैं. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. दिस इज नाज एक्वेरियम इन द कुरला फिश मार्केट. नाज एक्वेरियम में जो है फिश फूड से लेके एक्वेरियम फिल्टर्स, हीटर्स, एलईडी लाइट्स, इम्पोर्टेड एक्वेरियम एलईडी लाइट्स, इम्पोर्टेड मोल्डेड टैंक्स और बाकी सब जो एसेसरीज है, एक्वेरियम प्रोडक्ट्स है, वो सब अवेलेबल है. एंड उन सारे वीडियोस की लिंक्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एंड स्क्रीन में भी आपको कुछ हाथ वीडियोस की लिंक्स प्रोवाइड की जाएगी. तो शुरुआत करते हैं हम नाज एक्वेरियम के सबसे फर्स्ट फिश के ऊपर. सो हियर इज मिस्टर परवेज. कैसे हो परवेज भाई? तो भाईजान, बहुत से लोग बोलते हैं कि नाज एक्वेरियम के फिश के ऊपर वीडियोस बनाई. हमने तो सबसे पहले नाज एक्वेरियम का सबसे पहला वीडियो आपके फिश शॉप से ही स्टार्ट किया था, जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था. और उसके बाद भी बहुत से लोग बोलते थे कि नाज एक्वेरियम के लाइव फिश के ऊपर वीडियोस बनाई है. तो बहुत से रीजंस थे, आपका जो स्टॉक है वो रहता नहीं था अवेलेबल, उसके कारण हो जाता था. क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि ये क्यों पॉसिबल नहीं हो जाता था? मंडे नाइट और फ्राइडे नाइट में माल आता था, तो हमारा होलसेल का सबसे बड़ा धंधा है जी. तो ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर कल्याण वल्याण जो भी डाउन ट्रैक के कस्टमर है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से आ जाते हैं जी जी. तो उनका क्वांटिटी रहता है, अभी हमने 500 फिशेस मंगाया तो 25-25 करके सब सेल आउट हो जाते जी जी. तो सब रह नहीं पाते थे कि हम उसका वीडियो बना करके अपलोड कर सकते. ओके, तो आज लकीली आपके पास स्टॉक बचा हुआ है, तो इसलिए हम लोग आज इस वीडियो में आप हमको बताएंगे. तो सबसे पहली फिश कौन सी बताना चाहेंगे? मैं आपको ये बता देता हूँ, एंजल्स. एंजल्स, ओके. ये स्कार डायमंड एंजल है. स्कार डायमंड एंजल जी, ये आपको 20 रुपीज पीस आएगी. 20 रुपीज पीस. 20 रुपए की आपको एक फिश आएगी. आई विल रिमाइंड यू द प्राइसेस अगेन. 20 रुपीज फॉर वन फिश. 20 रुपए की आपको एक फिश आएगी. इस फिश का नाम है स्कार डायमंड एंजल फिश. आप इधर रिटेल में भी इसको बाई कर सकते हो, होलसेल में भी बाई कर सकते हो. नाज एक्वेरियम डील्स इन रिटेल एज वेल एज होलसेल ऑफ एक्वेरियम फिशेस. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिश, डिस्कस. यहाँ पे डिस्कस है, ब्लू डायमंड डिस्कस है. 600 रुपीज पर पीस है. ओके, 600 रुपीज पर पीस, पर पीस, दैट इज 600 रुपए का एक फिश आपको आएगा. There are beautiful varieties of angel fishes at Nas Aquarium and we'll be covering this angel fishes one by one. तो परवेज भाई, आपके पास बहुत ही खूबसूरत वैरायटी की एंजल फिश है यहाँ पे. सबसे पहले आप कौन से फिश है ये, इसके बारे में बताएं. ये रेड कैप रेड आई एंजल से. रेड कैप रेड आई एंजल, ये 150 पर पीस आएगा आपको. ओके, 150 रुपए की एक फिश आएगी, यानी 150 रुपीज फॉर वन फिश. और ये रेड आई प्लेटिनियम एंजल, ये जो साइड में ये है, ये रेड आई प्लैटिनियम एंजल है. रेड आई प्लैटिनियम एंजल, इसकी क्या प्राइस है? 150. ओके, इसकी भी सेम प्राइस है, 150 रुपीज, 150 रुपए की एक फिश है. उसके बाद यहाँ पे जेड ब्लैक बेल टेल है. जेड ब्लैक बेल टेल एंजल, बेल टेल, ये 200 रुपए पीस है. ओके, ये है 200 रुपए की एक फिश, यानी 200 रुपीज की वन फिश आपको आएगी. और इसकी भाई, इसकी वेल टेल है, राइट? पूरी वेल टेल. ओके, ये काफी अनकॉमन टाइप की एंजल फिश है, काफी देखने को मिलती नहीं है. बढ़ते हम नीचे वाले टैंक के ऊपर. ये सारे ऑस्कर्स हैं, टाइगर ऑस्कर्स हैं. ओके भाई, भाईजान, इनको आप क्या फीडिंग देते हो? इनको हम लाइव ब्लड वर्म्स देते हैं, पैलेट्स भी देते हैं.
ओके, तो आप हमारे व्यूवर्स को अगर आपसे बाय करते हैं या कहीं से भी कोई ऑस्कर बाय करते हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको, कौन सा फिश फूड दें? आप उनको पैलेट्स ही दो। पैलेट्स में कौन सा पैलेट्स आप सजेस्ट करेंगे? ये ऑप्टिमम के चिकलेट्स पैलेट्स आते हैं ना, वो दे सकते हैं। ऑप्टिमम चिकलेट? हाँ। ओके, वो बेस्ट रहता है ऑस्कर के लिए। और हिकारी के भी फूड आते हैं, वो भी दे सकते हो। ओके, अगर किसी को बड़ा करना रहेगा ऑस्कर तो लाइव फीडिंग देनी चाहिए क्या? लाइव फीडिंग भी तो सबसे बेस्ट है, लेकिन हर जगह लाइव फीडिंग अवेलेबल नहीं है। जी जी, तो यहाँ पे आपके पास सारे टाइगर ऑस्कर्स हैं। हाँ। ओके, प्राइस के बारे में बात करेंगे हम, इनकी क्या प्राइस है? 250 पर पीस आएगा। ओके, दीज आर टाइगर ऑस्कर्स एंड दे विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज फॉर पर पीस फॉर वन फिश, दैट इज 250 रुपए की एक ऑस्कर फिश आपको यहाँ पे मिलेगी। अब बढ़ते हैं अरवानास के ऊपर, तो भाईजान इसमें कौन सी अरवानास है? इसमें सिल्वर अरवानास। सिल्वर अरवानास? हाँ, सिल्वर अरवानास। क्या प्राइस है एक फिश की? 700 रुपए पर पीस। ओके, ये है 700 रुपए की एक अरवाना, दैट इज 700 रुपीज फॉर वन अरवाना फिश। सो नाउ विल टॉक अबाउट द टेट्रा फिशेस, तो भाईजान इसमें कौन सी टेट्रा है ये? इसको क्रिस्टल टेट्रा बोलते हैं। जी, क्रिस्टल टेट्रा। हाँ। ओके, और क्या प्राइस है इसकी? ये 250 रुपए डजन आता है। 250 रुपए का डजन? हाँ, टेट्रा वैरायटीज मोस्टली हम लोग डजन में ही सेल करते। ओके, हाँ। तो ये जो है आपको 250 रुपए की एक डजन आएगी, यानी कि 250 रुपए में आपको 12 फिश मिलेगी। दिस फिशेस विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज फॉर वन डजन, दैट इज 12 फिशेस फॉर रुपीज 250 ओनली। तो हम बढ़ते हैं अगली फिश के ऊपर। ये कोलंबियो टेट्रा है। कोलंबियन टेट्रा? कोलंबियन टेट्रा। ओके, प्लांटेशन में बहुत खूबसूरत दिखती है। जी, और इनकी क्या प्राइस है? ये 300 रुपीस डजन। ओके, 300 रुपए की डजन। उसके बाद बढ़ते हैं अगली फिशेस के ऊपर। नियॉन टेट्रास। ये नियॉन टेट्रास है। ओके, ये आपको 200 रुपए डजन आएगी। ओके, नियॉन टेट्रास विल कॉस्ट यू अराउंड 200 रुपीज़ फॉर वन डजन, दैट इज 200 रुपए की आपको 12 फिश मिलेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फिश वैरायटी। ये ब्लू रेनबो, ओस्मानिया रेनबो बोलते हैं। ब्लू रेनबो और ओस्मानिया रेनबो। ओस्मानिया रेनबो, क्या इसके अंदर आप एक दूसरी फिशेस देख रहे हो? ग्लास फिश है, कलर ग्लास बोलते हैं। जी, कलर ग्लास फिश। ओके, क्या प्राइस है दोनों की? ये आपको नियॉन रेनबो 75 रुपीस पीस आएगा। ओके, और वो 30 रुपीस पीस है। ओके, नियॉन रेनबो 75 रुपए और ग्लास फिश 30 रुपीस, और ग्लास फिश जो है वो 30 रुपए की आपको एक फिश पड़ेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल फिशेस दैट आर ओवर हियर। ये कौन सी फिशेस है? व्हेल टेल टाइगर बॉब्स है। ओके, इनको शायद से इनकी टेल वेल है, इसलिए इनको व्हेल टेल टाइगर बुलाया जाता है। और मेरे ख्याल से इसमें जो है नॉर्मल टाइगर बॉब्स भी आती है, राइट? हाँ, नॉर्मल टाइगर बॉब्स भी आती है। ओके, तो इनकी क्या प्राइस है आप बताएंगे? 100 रुपीस पर पीस है। ओके, ये आपको 100 रुपए की एक फिश मिलेगी, दैट इज दिस टाइगर व्हेल टेल टाइगर बॉब्स विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीस फॉर वन पीस। यहाँ पे है खूबसूरत फिशेस। ये कौन सी है भाई? ये गप्पी, मल्टी कलर गप्पी है। ओके, दीज आर मल्टी कलर गप्पीज। क्या प्राइस है भाई इनकी? ये 300 रुपए डजन आएगा। ओके, ये आपको 300 रुपीस की एक डजन मिलेगी। मूविंग ऑन टू द फिशेस दैट आर डॉलर। ये डॉलर्स है। क्या प्राइस है इनकी? 25 रुपए पीस आएगा। ओके, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 25 रुपीस फॉर वन फिश, 25 रुपए की एक डॉलर फिश है। उसके बाद यहाँ पे है मॉलीज है, मिक्स मॉलीज स्टेटेड शॉर्ट टेल से। ओके, क्या प्राइस है सबकी? ये आपको 20 रुपीस पर पीस आएगा। ओके, ये आपको 20 रुपीस का एक फिश आएगा, दैट इज 20 रुपए की आपको एक फिश मिलेगी। सो हियर आर ब्यूटीफुल गोश्त फिशेस दैट स्विम अपसाइड डाउन। तो भाई इनकी ब्लैक गोश्त की क्या प्राइसेस हैं? ये आपको 100 रुपीस पीस आएगी। ओके, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीस फॉर वन फिश, एक गोश्त फिश आपको 100 रुपए की मिलेगी। भाईजान गोश्त फिश अगर कोई लेता है तो उसको किसके साथ रखना चाहिए? वो मोस्टली सबके साथ रहता है, ब्लैक गोश्त को थोड़ा छुपने के लिए स्पेस देना पड़ता है। जी, हाइडिंग शो पीस रखना पड़ता है। हाँ। जी, और क्या ये फीडिंग खाता है, सब कुछ खा लेता है ये? हाँ, ड्राई ब्लड होम्स खाएगा, लाइव ब्लड होम्स खाएगा, पैलेट्स का भी जो हैबिट लगाएंगे आप वो खाएगा। ओके, यानी हम इनको खाली नॉन एग्रेसिव फिश के साथ नहीं रखना चाहिए, राइट? हाँ, बाकी नॉर्मल फिश के साथ कम्युनिटी टैंक में रह पाएगी। हाँ, रह पाएगी। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिशेस नाउ। ये कौन से फिशेस है? ये अल्बिनो रेनबो है, रेड टेल रेनबो है। अल्बिनो रेनबो और रेड टेल रेनबो, जो व्हाइट वाली है वो अल्बिनो रेनबो, राइट? और
उसमें वो रेड टेन रिवील जी। क्या प्राइस है दोनों की? ये 30 रुपीज पीस आएगा। ओके, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 30 रुपीज फॉर वन फिश। 30 रुपए की एक फिश आपको यहाँ पे मिलेगी। यर आर ब्यूटिफुल एंजल फिशेस। तो परवेश भाई, ये कौन सी एंजल्स हैं? इसको कोई एंजल बोलते हैं। कोई एंजल? कोई एंजल, हाँ। ओके, कोई के पैटर्न है इसके, इसके वजह से। ओके, क्या प्राइस है इनकी? 125 पर पीस। ओके, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 125 रुपीज फॉर वन फिश। 125 रुपए की एक एंजल फिश आपको यहाँ पे मिलेगी। सो दिस वॉज टूडेज वीडियोज ऑन योर रिक्वेस्ट, ऑन द रिपीटेड रिक्वेस्ट ऑफ नाज एक्वेरियम फिशेस वीडियो। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि नाज एक्वेरियम के जो है फिश शॉप की वीडियो बनाइए। ऑलरेडी फिश शॉप की जो वीडियो है वो बनाई थी सबसे पहले, फिर भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी नाज एक्वेरियम के फिश की वीडियोस बनाने। तो ये जो आज की वीडियो थी सारी फिशेस के बारे में थी। और अगर इनके पास स्टॉक नहीं रहेगा तो आप इनको बता सकते हैं, इनका स्टॉक जो आते जाते रहता है, तो यू कैन टेल देम। सो लेट्स टॉक विद मिस्टर परवेश अबाउट इट। तो परवेश भाई, बहुत से लोग जो बोलते हैं कि स्टॉक अवेलेबल नहीं रहता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए अगर किसी को चाहिए रहेगा स्टॉक तो? सर, अवेलेबल रहता है मोस्टली। आप फ्राइडे ट्यूसडे कॉल करेंगे, संडे कॉल करेंगे तो आप हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहेगा जी। क्या 3 डेज फिर से रिपीट करेंगे? ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। ओके, फुल स्टॉक रहता है? फुल स्टॉक रहता है। और हमारे जो भाई बहन जो आउट ऑफ महाराष्ट्र रहते हैं, अगर उनको आपके फिशेस में दिलचस्पी इंटरेस्ट है और वो आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो डिलीवरी का कैसा करेंगे आप? मोस्टली सर कैसा है, वो वन पेयर मांगेंगे कि नागपुर से कॉल कर रहे हैं, उनको वन पेयर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता ना। सही बात, तो ट्रांसपोर्टेशन एकदम हाई पड़ जाएगा जी। फिर वो बोलेंगे कि 100 रुपीज की फिशेस है और 400 रुपए डिलीवरी चार्ज है जी, तो थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। तो आपकी मिनिमम डिलीवरी अमाउंट क्या होनी चाहिए अगर किसी को आउट ऑफ महाराष्ट्र डिलीवरी लेनी है? तो कम से कम आपको 2000 का ऑर्डर करना पड़ेगा लाइव फिशेस में। लाइव फिशेस में? हाँ। कम से कम 2000 रुपए होना चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर जो भी आपका ट्रैवल चार्ज है वो सब लगेगा। ओके, और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या, वो अपनी मर्जी से ले सकता है या आप उसे प्रोवाइड करेंगे? नहीं, वो अपनी मर्जी से ले सकता है। राइट, ओके, तो आप ऑल ओवर इंडिया भी डिलीवरी करते हो? राइट, हाँ, ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो शुक्रिया भाईजान आज का ये वीडियो हमें बताने के लिए। एंड दिस वॉज टूडेज वीडियो अबाउट द फिशेस एट नाज एक्वेरियम। इफ यू लाइक द वीडियो, डू इट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एस जे इंसेप्शंस। लेट मी रिमाइंड यू दैट नाज एक्वेरियम के जितने भी वीडियोस अभी तक एस जे इंसेप्शंस पे आए हैं, उन सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ पे आपको परवेश भाई का, अरमान भाई का फ़ोन नंबर भी मिलेगा, वहीं पे आपको जो है सारी लिंक्स मिलेगी। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस आउट किया रहेगा तो आप उस लिंक के थ्रू उसे देख सकते हो, और उस लिंक के आगे आपको वीडियो की टाइटल भी मिल जाएगी। आपको जिस भी वीडियो में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, उस वीडियो के लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।